छात्र की गलियों से, छात्र आंदोलन से मैं पहचान बनाकर आया हूं और मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये संदेश देना चाहूंगा। अभी सीरियल के मामले को लेकर झारखंड के लाखों अभ्यर्थी सड़कों पर हैं, आप सदन से बाहर एक बार उनसे मिले, वो आपके ही बच्चे हैं, इस राज्य के बच्चे हैं और आप उनको संतुष्ट करें, आप उनसे मिले, उनसे बातचीत करें और इस समस्या का निदान करने का प्रयास करें। और चूंकि मैं एक विधानसभा से भी आता हूँ तो मैं आपको अपने विधानसभा के संदर्भ में ये कहना चाहूँगा, मेरा विधानसभा जो कि परासनाथ की तराइयों में आता है, वहाँ जो लोगों की समस्याएं हैं वह मूलतः शिक्षा और प्रवास को लेकर हैं। अतः आपसे हमारी मांग होगी कि वहाँ शैक्षणिक हब में हमारे विधानसभा को तब्दील किया जाए और साथ ही जो प्रवास की समस्या है, मैं इसलिए इस विषय को कहूँगा मैं थोड़ा समय लेकर कि आज देखिए इस सदन की बात करें तो कहीं ना कहीं हम लोग एक परिवार हैं और परिवार के नाते आज इस सदन में बैठे हैं। लेकिन मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ उसके आसपास के विधानसभा क्षेत्रों की एक घटना है, अभी कैमरून में 45 मजदूर फंसे हैं। तो मैं सदन बधाई के बीच में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, ये गंभीर विषय है और वे रोते रोते टेलीफोन किए हुए थे कि उनको पानी की केवल पानी पीकर वो कई दिनों से अपना दिनचर्या को काट रहे हैं। तो मैं आपसे चाहूँगा कि इस विषय को गंभीरतापूर्वक लें और उस दिशा में आगे बढ़ें और इस राज्य का 24 वर्षों का ये राज्य, उस राज्य को हम लोग आगे कैसे लेकर जाएं, हमारी क्या भूमिका होगी, उसमें सदैव आपके साथ खड़े हैं। पुनः आपसे यही कहेंगे कि हमें समान अवसर दिया जाएगा अपनी बातों को रखने का, बड़ी उम्मीदों के साथ हम लोग यहाँ तक आए हैं। पुनः आपको माननीय अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही साथ आपने जो शायद अपने पिता को खोया है पुनः उसके प्रति हम ढांढस शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। धन्यवाद, जोहार, झारखंड के तमाम शहीदों को नमन, वंदन, जय झारखंड, जोहार झारखंड। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।